কুদেও জো পিএসসি মা হোকে বাবাল দিন রাত পড়না হে মজাবো ধমাল কাও করে লে থসরে টেনশন আরে কাও করে লে থসরে টেনশন জব অফসর বন কে তে কর পে ধমাল ये कैसे होगा सर हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे टॉप एमसीक्यू सीरीज में। जैसा कि आपको पता है कि हम क्या करा रहे हैं, संपूर्ण सीजीपीएससी पाठ्यक्रम की आपको तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन कैसे, तो एमसीक्यू के माध्यम से। एमसीक्यू कैसा, तो एमसीक्यू के साथ में आपके सारे सिलेबस की आपको विस्तार से जानकारी दी जा रही है। तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था क्या, छत्तीसगढ़ के मिट्टियों के बारे में, उसी से आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ में जलवायु, मौसम एवं वर्षा। ठीक है, क्या है टॉपिक हमारा, छत्तीसगढ़ में जलवायु, मौसम एवं वर्षा। देखेंगे सबसे पहले कि जलवायु क्या होता है, मौसम क्या होता है, वर्षा कैसे होती है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत किस किस मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है, अलग अलग जो मौसमों में वर्षा होती है उसके क्या क्या कारण है, और इन सबको पढ़ने के उपरांत हम इन सभी के बारे में क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो जैसा कि कल हमने पढ़ा था, तो उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और इस बात का निर्धारण किसके द्वारा किया गया है कि छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इसका आंसर देंगे आप मुझे कहां पर, तो कमेंट सेक्शन में। कहां पर आंसर देंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे कि कौन से विभाग ने यह बताया है कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। चलो जल्दी बताओ, फिर अपन क्या करते हैं आगे, जो आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ में जलवायु, मौसम एवं वर्षा, उस पर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपको, जलवायु किस भाषा का शब्द है। ठीक, क्या कहा जा रहा है आपको, जलवायु किस भाषा का शब्द है, फारसी, अरबी, ग्रीस, एक्चुअली इसको ग्रीस ना करना, ये ग्रीक होगा, ग्रीक। ठीक, क्या पढ़ना है आपको, ग्रीक पढ़ना है। तो जलवायु किस भाषा का शब्द है, तो जलवायु जो है वो यही ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। अब थोड़ा सा जलवायु के बारे में देख लेते हैं कि जलवायु बोलते किसको हैं। ठीक है, होता क्या है जलवायु, तो जो जलवायु है वो हम परिभाषित कैसे करेंगे, मान के चलो आपको मेंस में ही पूछ दिया, 2 नंबर में जलवायु की परिभाषा लिखिए, तो क्या लिखेंगे आप, लिख के दिखाइए मुझे को कमेंट सेक्शन में, आप जल्दी लिखिए, जलवायु की परिभाषा 2 नंबर में लिखना है आपको। ठीक है, जल्दी लिखिए, जिन जिन को समझ में आ रहा है लिखिए, नहीं लिख पाओगे तो मैं तो लिख पाऊंगा ही। ठीक है, जैसा कि हम क्या करा रहे हैं आपको, संपूर्ण सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, तो उसके तहत चलो देख लेते हैं हम लोग कि जलवायु बोलेंगे किसको। तो किसी निश्चित, किसी निश्चित भौगोलिक, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में। ठीक है, कहां पर, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में। ठीक है, एक फिक्स जियोग्राफिकल एरिया में, कहां, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में वर्षा, तापमान, वर्षा तापमान, वायुदाब, वर्षा तापमान, वायुदाब और आर्द्रता, वर्षा तापमान, वायुदाब और आर्द्रता की दीर्घकालिक अवस्था। ठीक है, कैसी अवस्था, तो दीर्घकालिक अवस्था, दीर्घकालिक अवस्था, वर्षा तापमान, वायुदाब और आर्द्रता की
दीर्घकालिक अवस्था, ठीक है, वर्षा, आपका रेनफॉल, टेम्परेचर, ठीक है, एयर प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी की दीर्घकालिक अवस्था क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी जलवायु, ठीक है, क्या कहलाती है? जलवायु कहलाती है, ठीक, जलवायु दीर्घकालिक अवस्था को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है, क्या ध्यान रखना है? दीर्घकालिक अवस्था मतलब 2-4-6 महीने के लिए नहीं, जो कि लगातार हर साल क्या हो रहा है, लगातार एज इट इज चल रहा है। जैसा कि आप छत्तीसगढ़ की जलवायु के बारे में बात करेंगे तो आपको पता है कि अभी क्या समय चल रहा है आपका, तो बारिश का समय चल रहा है, तो आपको पता है जून से लेकर सितंबर अक्टूबर तक का महीना क्या रहेगा आपका, बारिश होगा। अक्टूबर के बाद से जो नवंबर वाला महीना आएगा उसमें से ठंड शुरू होगी, मतलब होगी, फिर फरवरी तक वो ठंड का एहसास आप करते रहेंगे, लेकिन जैसे ही फिर फरवरी के बाद मार्च आते रहता है तो आपको गर्मी का एहसास होने लगता है। तो ये जो चीजें हैं क्या हो रही है, लगातार साल दर साल क्या है, लगातार चले जा रही है। तो इसी लगातार जो प्रोसेस है, जो मौसम लगातार हर समय में क्या हो रहा है, अपने आप में परिवर्तित हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनकी सभी की दीर्घकालिक अवस्था ही क्या कहलाती है, जलवायु कहलाती है। अगर इस अवस्था में दीर्घ काल ना रहे, ठीक है, अल्प कब समय के लिए रहे, तब वो क्या कहलाता है, आपका मौसम कहलाता है। जैसे कि आप देखेंगे तो 3 महीना क्या है आपका, गर्मी है, तो फिर 3 महीना क्या है आपका, ठंड है, तो 3 महीना फिर बरसात है, ठीक है, और 3 महीना का है तो मिंजरा मौसम है। कैसे मौसम है? मिंजरा मौसम है, जब कभी भी पानी गिर जाते, कभी भी गर्मी हो जाते और कभी भी हमला ठंडा लगे धर लेते। जैसे कि इधर ही आप मन देखे हो कि का होत रही समय, मई के पहला हफ्ता में भी लगातार झड़ी टाइप पानी गिरत रही से, और अभी अगस्त महीना में भी का हुआ था, सितंबर महीना में का हुआ था, तो मनमाना गर्मी लगा था, ठीक है, तो 3 महीना का हो गया तो मिंजरा महीना हो गया, मजाक की बात है, ठीक है, कैसा बात है, तो ये मजाक की बात है, लेकिन आपको ध्यान के रखना है कि वर्षा, तापमान, वायु दाब, आर्द्रता की दीर्घकालिक अवस्था क्या कहलाती है, जलवायु कहलाती है। अगर यह अवस्था दीर्घकाल के लिए ना हो, एक शॉर्ट पीरियड के लिए चलते रहे, तब वो क्या कहलाता है, आपका मौसम कहलाता है, ठीक है। मौसम जैसे बोलते हो, गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी का मौसम चला गया, हाँ अभी बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात का मौसम भी चले गया, अब ठंड आने वाला है, फिर हम क्या बोलेंगे, ठंड का मौसम चल रहा है, ठीक है, शीत ऋतु चल रही है, तो वो क्या कहलाती है, जो कम समय के लिए हो रही है घटनाएं उसको क्या बोलेंगे आप, मौसम। लेकिन यही घटनाएं जो लगातार हर साल एज इट इज चलते जा रही है उसको अपन क्या बोलेंगे, जलवायु बोलेंगे। तो लिख लेंगे आराम से आप, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में वर्षा, तापमान, वायु दाब और आर्द्रता की दीर्घकालिक अवस्था क्या कहलाती है, जलवायु कहलाती है। क्लियर है? अब ये जो जलवायु है, ठीक, क्या आपका जलवायु, ये जो जलवायु है ये ग्रीक शब्द क्लाइमा से बना है, ठीक है, किससे बना है, ग्रीक शब्द क्लाइमा से बना है, ठीक है, ये क्लाइमा, और इसी क्लाइमा से बना है आपका क्लाइमेट, क्लाइमा से क्या बना है आपका, क्लाइमेट, ठीक है, क्लाइमा से क्या बना है आपका, क्लाइमेट, ठीक है, और क्लाइमेट का मतलब ही क्या होता है आपका, जलवायु होता है। क्लियर है यहां तक? तो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में वर्षा, तापमान, वायु दाब एवं आर्द्रता की दीर्घकालिक अवस्था क्या कहलाती है, तो वह कहलाती है आपकी जलवायु, ठीक है, 2 नंबर में लिख लेंगे आंसर आराम से, बढ़िया। चलो अब देखते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, ठीक, पहले क्वेश्चन का आंसर लगा लिया, जलवायु किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है। अगला, किसी क्षेत्र की जलवायु किस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर नहीं करती है, बोल रहे हैं, क्या बोला जा रहा है, किसी क्षेत्र की जलवायु किस पर निर्भर नहीं करती है, ठीक, क्या बोला जा रहा है, किसी क्षेत्र की जलवायु किस पर निर्भर नहीं करती है, भूमध्य रेखा से दूरी, वनों का विस्तार, पर्वतों की स्थिति, या सभी प्रभावित करते हैं। आंसर लगा कर रखिए आप, जब तक मैं कुछ चर्चा कर लेता हूं आपके साथ, तो जैसे चर्चा के रूप में अपन देखते हैं, ये कुछ ज्यादा जियो टाइप की हो गया है अपना ग्लोब, ठीक है, समझ जाना आप लोग। छोड़ो,
तो हमने जब पढ़ा था स्थिति में विस्तार, जब विषय हम पढ़ रहे थे, तो आपने क्या देखा था? ऐसी सारी रेखाएं, कैसी रेखाएं? ऐसी सारी रेखाएं जो ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जा रही थी, वो सारी रेखाएं क्या कहला रही थी? आपकी अक्षांशीय रेखाएं कहला रही थी। ठीक है, ऐसी सारी रेखाएं जो कैसी खींची जा रही है? ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जा रही है। ग्लोब पर कैसी खींची जा रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जा रही है। ऐसी सारी रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांशीय रेखाएं कहलाती है। और जो जीरो डिग्री अक्षांशीय रेखा है, जो जीरो डिग्री अक्षांश है, इसी को हम लोग क्या बोलते थे? भूमध्य रेखा बोलते थे, या इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा या इक्वेटर बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा या इक्वेटर बोलते हैं। क्लियर है? जीरो डिग्री अक्षांशीय रेखा क्या कहला रही है? इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहला रही है। और एक चीज देखे थे हम कि ऐसी सारी रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जा रही थी, वे रेखाएं क्या कहला रही थी? तो वो आपकी कहला रही थी देशांतर रेखा। जीरो डिग्री देशांतर रेखा क्या कहला रहा था? जीएमटी लाइन, ग्रीनविच टाइम या ग्रेट मेरिडियन टाइम। इसके अलावा हमने और क्या चीज देखा था कि 82.5 डिग्री जो रेखा थी वो आपका क्या कहला रहा था? तो भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जो जीएमटी लाइन है वो मुख्य रूप से कहां से होकर गुजरता है? तो लंदन से होकर गुजरता है। और जो आईएसटी है, इसके बारे में हमने देखा था कि भारत के अंतर्गत कौन कौन से राज्यों से होकर गुजर रहा था, तो बताइए कमेंट सेक्शन में, आईएसटी भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजर रहा था, छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिलों से होकर गुजर रहा था, और साथ ही अब बताएंगे कि छत्तीसगढ़ के कितने तहसीलों में भारतीय मानक समय रेखा जो है वो गुजरती है। क्लियर, इन सब चीजों को बताएं आप कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं अपन। जीरो डिग्री अक्षांशी रेखा, जीरो डिग्री जो अक्षांशी रेखा है वो क्या कहला रही है? भूमध्य रेखा। और इस जीरो डिग्री अक्षांशी रेखा के सापेक्ष 23.5 डिग्री उत्तर में, कहां पर? 23.5 डिग्री उत्तर में। कितने डिग्री? 23.5 डिग्री। कहां पर? उत्तर में या नॉर्थ में। नॉर्थ में क्या है? एक रेखा है जिस रेखा को अपन क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा बोलते हैं। जीरो डिग्री अक्षांशी रेखा के सापेक्ष 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो रेखा है वह रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है। और जीरो डिग्री अक्षांशी रेखा के सापेक्ष दक्षिण में जो रेखा है वह रेखा क्या कहलाती है? तो मकर रेखा कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? मकर रेखा कहलाती है, मकर रेखा। क्लियर। अब देखिए, जो भी देश इस भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण में होगा, ठीक है, कहां होगा? 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण में होगा। उन सभी देशों पर जो सूर्य है, इसकी किरणें कैसे पड़ती है? सीधी सीधी पड़ती है, है ना? और ऐसे सारे क्षेत्र क्या होते हैं? लगभग गर्म होते हैं। ठीक है, इसलिए इस क्षेत्र की जलवायु कैसी रहती है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु रहती है। ठीक है, कैसी जलवायु रहती है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु रहती है। कैसी जलवायु रहती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु रहती है। ठीक है, इसके अलावा अब जैसे कि आप और देखें तो 23.5 डिग्री के ऊपर एक 66.5 डिग्री की रेखा है। ठीक है, 66.5 डिग्री और 66.5 डिग्री दक्षिण में भी एक रेखा है। अब 66.5 डिग्री जो उत्तर में रेखा है उसको हम लोग बोलते हैं आर्कटिक रेखा, और 66.5 डिग्री जो दक्षिण में रेखा है उसको आप लोग बोलते हैं अटलांटिक रेखा। ठीक है, इसके बाद ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री क्या? आपका नॉर्थ पॉइंट या नॉर्थ पोलर, और जो 90 डिग्री दक्षिण में हो क्या हो जाएगा? आपका साउथ पोलर। 90 डिग्री उत्तर में जो पोल वो क्या कहलाएगा? नॉर्थ पोल। और 90 डिग्री दक्षिण में जो पोल वो क्या कहलाएगा? आपका साउथ पोल। ये सब आप पढ़ेंगे कहां? इंडियन ज्योग्राफी में। अपने को अभी इतने का काम नहीं है, अपने क्या देखना है? छत्तीसगढ़ देखना है, और छत्तीसगढ़ को आपको कहां तक देखना है? तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वो क्या है? आपका कर्क रेखा, और कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के उत्तर क्षेत्र। ठीक है, कौन सा क्षेत्र? उत्तर क्षेत्र या उत्तरी चार जिलों को क्या करता है? काटता है। कौन कौन से चार जिले? तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर को काटते हुए निकलता है। ठीक है, तो कर्क रेखा के नीचे का जितना भी सब क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र कहलाता है। तो
छत्तीसगढ़ का जो अधिकांश क्षेत्र है वो किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आ रहा है? उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आ रहा है। क्लियर है? देखिए इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए, ठीक। और अब इसके अलावा जैसे कि छत्तीसगढ़ की जलवायु ठीक है, कैसी छत्तीसगढ़ की जलवायु, तो ध्यान में रखना आप, एक तो क्या है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है, उष्णकटिबंधीय जलवायु ठीक है, कैसी जलवायु है, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है या उष्ण आर्द्र जलवायु भी कहा जाता है, उष्ण आर्द्र जलवायु भी कहा जाता है, गर्म है साथ ही वर्षा भी क्या होते रहती है इसलिए क्या है, उष्ण आर्द्र जलवायु भी है। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ की जलवायु है इसे उपार्ध महाद्वीपीय जलवायु भी कहा जाता है, उपार्ध महाद्वीपीय जलवायु भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो छत्तीसगढ़ है वो एक भू अवस्थित राज्य है और इसके किनारे किसी भी प्रकार का कोई समुद्र नहीं है, इसलिए जो छत्तीसगढ़ की जलवायु है इसको क्या कहा जाता है, उपार्ध महाद्वीपीय जलवायु भी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, उपार्ध महाद्वीपीय जलवायु भी कहा जाता है, ठीक। अब हम देख लेते हैं कि जो छत्तीसगढ़ है, जो जलवायु है वो किन किन फैक्टरों पर निर्भर करता है, जलवायु की निर्भरता है ना। जलवायु की निर्भरता में सबसे पहला चीज आपको ध्यान रखना है, पॉइंट, भूमध्य रेखा से दूरी एवं ऊंचाई, ठीक है, क्या याद रखना है, भूमध्य रेखा से दूरी एवं ऊंचाई, भूमध्य रेखा से दूरी एवं ऊंचाई, ठीक है, यह क्या करता है, जलवायु को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है, तो आपने देखा अभी भूमध्य रेखा पर क्या होती है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती, ठीक है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें क्या हो रही है, सीधी पड़ती है। जैसे जैसे ही भूमध्य रेखा से आप क्या होते जाते हैं, दूर जाते जाते हैं, चाहे आप उत्तरी गोलार्ध में जाए चाहे आप दक्षिणी गोलार्ध में जाए, तो सूर्य की किरणें वैसे वैसे क्या होने लगती है, उन पर तिरछी पड़ने लगती है, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से क्या होने लगते हैं, ऊपर जाने लगते हैं या भूमध्य रेखा से ज्यादा नीचे जाने लगते हैं, तो तापमान में क्या आने लगती है, कमी आने लगती है, ठीक है। लगभग 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण तक का जो क्षेत्र रहता है वो कैसा क्षेत्र है, तो एकदम गर्म टाइप का क्षेत्र है, और जैसे आप उससे ऊपर जाते जाते हैं 66.5 डिग्री वाले लाइन में, तो शीत ऋतु वाला क्षेत्र आ जाता है, और फिर आप उससे 66.5 डिग्री भी ऊपर जब जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है, आपका ध्रुवीय क्षेत्र आने लगता है, जिसमें सारा क्या हो रहता है, बर्फ जमा रहता है। तो जितना आप भूमध्य रेखा के पास रहेंगे तो क्या होगा, उतना ही जो आपका जलवायु क्षेत्र है वो गर्म होगा, जितना आप भूमध्य रेखा से दूर जाते जाएंगे आपकी जलवायु में क्या होती जाएगी, उतनी ठंडकता आते जाएगी। अगला, समुद्र तल से दूरी एवं ऊंचाई ठीक है। आप देखेंगे कि समुद्र के पास में जितना आप रहेंगे तो एक थोड़ा चिपचिपा माहौल, और जैसे जैसे समुद्र से दूर जाते जाएंगे तो फिर क्या होते जाते हैं, माहौल थोड़ा सा ठंडा होने लगता है, ठीक है। तो समुद्र भी क्या करता है, आपके जलवायु क्षेत्र को प्रभावित करता है। इसके अलावा आप पाएंगे तो पर्वतों की स्थिति भी क्या करती है, जलवायु को बहुत प्रभावित करती है, और पर्वतों की स्थिति के कारण ही किस क्षेत्र के अंतर्गत कितनी वर्षा होनी है यह निर्धारित होती है। अभी जस्ट हम आगे पढ़ेंगे वर्षा, तब चर्चा करूंगा मैं कि पर्वत कैसे कैसे चीजों को प्रभावित करते हैं, कि किस क्षेत्र के अंतर्गत कितनी वर्षा होनी चाहिए, अबूझमाड़ के अंतर्गत अगर सर्वाधिक वर्षा हो रही है तो उसका क्या कारण है, और मैकल पर्वत का जो पूर्व है वहां पर कम वर्षा हो रही है तो उसका क्या कारण है, और दोनों ही चीजों में पर्वतों की स्थिति का क्या महत्व है, इन सभी चीजों पर अपन चर्चा करेंगे। अभी आप ध्यान रखना कि पर्वतों की स्थिति भी क्या करती है, जलवायु को प्रभावित करती है कि किस क्षेत्र की जलवायु कैसी होनी चाहिए। इसके अलावा
वनों का विस्तार ठीक। वनों का विस्तार सीधी सी बात है, जहां जितना अधिक वन वहां क्या उतनी अधिक वर्षा, ठीक है, जितना ज्यादा पेड़ उतनी ज्यादा वर्षा। नहीं मानते हो क्या बात को, मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। पेड़ क्या करते हैं, वर्षा को आकर्षित करते हैं, ठीक है। वनों के कारण क्या होता है, वर्षा होता है। जहां पर कम वन वहां पर कम वर्षा, जहां पर अधिक वन वहां पर अधिक वर्षा, ठीक है। आप देखे हैं जो दंडकारण्य क्षेत्र हमारा क्या है, 80% वनों वाला क्षेत्र है, और वहां पर क्या होता है, अत्यधिक वर्षा होती है। हमारा क्या क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र में क्या वन नहीं, लगभग 25% वन है, तो वैसी वर्षा होता है यहाँ पे कम, ठीक। क्लियर है कि नहीं, हो रहा है ना, क्लियर। और ज्यादा अच्छे से अगर एग्जाम्पल समझना है तो आप पाएंगे, जैसे कि जो अगर दुर्ग भिलाई एरिया में रह रहे होंगे वो पाएंगे कि दुर्ग और भिलाई को जोड़ने वाला एक ब्रिज है, जो कि क्या कहलाता है आपका, वाई से ब्रिज कहलाता है ना। उस वाई से ब्रिज के एक पार से दूसरे पार जाने पर ही आपको समझ में आ जाएगा कि वनों का कितना महत्व होता है। अगर आप वाई से ब्रिज से दुर्ग साइंस कॉलेज वाले रोड से आ रहे हैं, ठीक है, और जैसे ही आप क्या हो रहे हैं, वाई से ब्रिज से नीचे उतर रहे हैं 32 बंगला वाले एरिया में, ठीक है, हुड़को साइड वाले एरिया में, सेक्टर एरिया में, तो आप पाएंगे अचानक से कि वाई से ब्रिज जो दुर्ग एरिया में थे आप, और वाई से ब्रिज जो खत्म हो रहा है कहां पर, भिलाई वाले एरिया में, वहां पर आपको मौसम में एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। दुर्ग वाले क्षेत्र के अंतर्गत आपको अत्यधिक गर्मी महसूस होगी, और जो भिलाई वाला क्षेत्र है वहां पर जाते ही आपको थोड़ी ठंडकता क्या होगी, महसूस होगी। इसको आप क्या कर सकते हैं, प्रत्यक्ष यहीं पर, अगर आप दुर्ग भिलाई के स्टूडेंट हैं तो यहीं पर ही क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को अपनी इस स्थिति से अनुभव करवा सकते हैं। समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे हो? और जो आउट साइड राजनांदगांव वाले होंगे या और इधर उधर के जो मैदानी क्षेत्र के जितने भी लोग होंगे, स्टूडेंट होंगे, वो आकर इस चीज को अनुभव करें, और अनुभव करने के बाद क्या करें, आप एक पेड़ जरूर लगाएं, जैसा कि आपको बोला गया है कि कोको आपको क्या दे रहा है, फ्री कोचिंग दे रहा है, ठीक है, फ्री में क्या करवा रहा है, एमसीक्यू के माध्यम से संपूर्ण सीजीपीएससी सिलेबस की आपकी तैयारी करवा रहा है, तो उसके बदले सिर्फ आपको क्या करना है, एक पेड़ लगाना है। तो कितने लोग लगाएंगे, जल्दी बताओ, यस और नो, कितने लोग लगाएंगे, लगाना है ना सबको, क्लियर, ठीक, सब लगाइएगा। इसके अलावा क्या चीज हो गया आपका, पर्वतों की स्थिति और वनों का विस्तार, क्लियर है यहां तक, ठीक है। ये सारी चीजें क्या करती है, जलवायु की निर्भरता इन सभी से प्रभावित होती है कि किस क्षेत्र के अंतर्गत कैसी जलवायु होगी, ठीक। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए थे क्या अपन, किसी क्षेत्र की जलवायु किस पर निर्भर नहीं करती, बोल रहे हैं भूमध्य रेखा से दूरी। अभी हम क्या किए थे, देखे थे कि भूमध्य रेखा से आप जितना दूर जाते जाएंगे क्या होते जाएगा, आपकी जलवायु उतनी ठंडी होती जाएगी। जितना आप भूमध्य रेखा से करीब रहेंगे आपकी जलवायु क्या होगी, उतनी ही गर्म होगी। दूसरा क्या बोल रहा है, वनों का विस्तार। तो वनों का विस्तार भी क्या करता है, प्रभावित करता है। वनों के विस्तार पर जलवायु क्या होता है, बिल्कुल निर्भर करता है कि आपके क्षेत्र की जलवायु कैसी होगी। और पर्वतों की स्थिति भी क्या कर रही है, जलवायु को प्रभावित कर रही है। मतलब इन तीनों जो पॉइंट्स हैं इन पर क्या हो रहा है, जलवायु निर्भर हो रहा है। मतलब चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा कि सभी प्रभावित करते हैं, ठीक है, कौन करता है, तो ये जो तीनों फैक्टर्स आपके लिखे हुए हैं ये तीनों चीजें क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्लियर, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न कथनों को पढ़कर सही उत्तर दीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, निम्न कथनों को पढ़कर सही उत्तर दीजिए। पहला कथन बोल रहा है, छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं से होती है। क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से होती है। दूसरा क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ का अधिकांश क्षेत्र समशीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ का अधिकांश क्षेत्र क्या बोल रहा है, समशीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत आता है। तीसरा बोल रहा है, छत्तीसगढ़ के तापमान के वितरण को समुद्र की निकटता एवं समुद्र सतह से ऊंचाई मुख्य रूप से प्रभावित करती है। अब अपने को देखना क्या है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक दो सत्य है, एक तीन सत्य है, एक और तीन सत्य है, और सभी सत्य है, ठीक।
तो देखते हैं कि कौन कौन से जो कथन है हमारे सत्य हैं। तो छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से होती है, यह कथन बिल्कुल सही है कि जो बंगाल की खाड़ी से या बे ऑफ बंगाल से जो मानसूनी हवाएं उठती है उसके द्वारा क्या होता है, छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा होता है। चलो वर्षा को पढ़ ही लेते हैं फिर अपन आगे पढ़ेंगे। देखो, एक वर्षा होती है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत बे ऑफ बंगाल से उठने वाली मानसूनी हवाओं से, और दूसरी वर्षा होती है अरब सागर से उठने वाली मानसूनी हवाओं से। ठीक है, कौन सी दो मानसूनी हवाओं से वर्षा हो रही है, तो बे ऑफ बंगाल से उठने वाली मानसूनी हवाओं से, और दूसरी वर्षा किससे हो रही है, अरब सागर से उठने वाली मानसूनी हवाओं से। जो बे ऑफ बंगाल से उठने वाली मानसूनी हवाएं हैं ये क्या होती है, बे ऑफ बंगाल से उठती है, और बे ऑफ बंगाल से ये कहां पर प्रवेश करती है, सबसे पहले तो केरल में प्रवेश करती है। ठीक है, कहां पर प्रवेश करती है, केरल में, और केरल भारत के किस दिशा में है, तो अपन बोल सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम दिशा में है। इसलिए ये जो बे ऑफ बंगाल से उठने वाली मानसूनी हवाएं हैं इसको क्या बोला जाता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं बोला जाता है। समझ में आ गया, क्लियर है? ठीक है, क्या बोला जाता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं बोला जाता है। हालांकि जो बे ऑफ बंगाल है वो छत्तीसगढ़ के सापेक्ष किस दिशा में है, तो दक्षिण पूर्व में है, है ना। और ये जो बे ऑफ बंगाल से उठने वाली मानसूनी हवाएं हैं ये कैसी हवाएं हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ये जो बे ऑफ बंगाल से उठने वाली मानसूनी हवाएं हैं ये क्या होती है, बस्तर जिले से प्रवेश करती है। छत्तीसगढ़ में कौन से जिले से प्रवेश करती है, तो बस्तर जिले से प्रवेश करती है। और बस्तर जिला छत्तीसगढ़ के किस दिशा में है, तो दक्षिण पूर्व दिशा में है। तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत वर्षा किससे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये जो वर्षा है वो किस दिशा से प्रवेश करती है, तो दक्षिण पूर्व दिशा से प्रवेश करती है। अब क्या हुआ, दक्षिण पूर्व दिशा से ये क्या कर लिया, प्रवेश कर लिया, है ना। अब ये बस्तर हो गया। अब बस्तर के बाद ये जो पश्चिम क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो पश्चिम क्षेत्र है, यहां पर आप देखेंगे क्या, नारायणपुर जिला, इधर देखेंगे क्या, बीजापुर, और ये वाला क्षेत्र आपका क्या, फिर सुकमा वाला जो क्षेत्र है। ठीक, तो बस्तर से क्या हो गया, बे ऑफ बंगाल से जो उठने वाली मानसूनी हवाएं हैं वो प्रवेश कर गई। लेकिन आप पाएंगे तो ये जो अबूझमाड़ वाला क्षेत्र है, ठीक है, नारायणपुर के अंतर्गत क्या, अबूझमाड़ वाला क्षेत्र है, जो कि पूरे बस्तर पठार का क्या है, सर्वाधिक ऊंचाई वाला स्थान है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे बीजापुर के अंतर्गत, तो अलबा का पहाड़, उसूर की पहाड़ी, अल्बामा हिल्स है। ठीक, नीचे सरगुजा में, सॉरी सुकमा में आप देखेंगे तो कौन सा पहाड़ मिल जाएगा आपको, गोलापल्ली की पहाड़ी मिल जाएगी। तो ये जो मानसूनी हवाएं हैं क्या होती है, बस्तर से प्रवेश तो कर जाती है, लेकिन ये जो अबूझमाड़ वाला जो क्षेत्र है आपका, इस अबूझमाड़ वाले क्षेत्र को क्या नहीं कर पाती है, मानसूनी हवाएं अत्यधिक भारी होने के कारण उसको पार नहीं कर पाती। इसलिए ये जो मानसूनी हवाएं हैं यहां पर टकराती है अबूझमाड़ की पहाड़ियों से, और ये जो अबूझमाड़ क्षेत्र है यहां पर मैक्सिमम वर्षा करा देती है ये। ठीक है, कितना वर्षा करा देती है, तो 187 सेंटीमीटर वर्षा करा देती है। इसलिए अबूझमाड़ जो क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ का क्या है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। इसलिए अबूझमाड़ को क्या कहा जाता है छत्तीसगढ़ का, जल्दी बताएं कमेंट सेक्शन में क्या कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ का मासिनराम कहा जाता है, बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन में पूछा गया था नहीं, है ना, तो क्या कहा जाता है, चेरापूंजी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का मासिनराम नहीं कहा जाता। और मैंने आपको बताने बोला था कि मासिनराम जो है और क्या आपका चेरापूंजी ये भारत के किस राज्य में है आपको बताना है, और वो जिस राज्य में है वो राज्य भारत के किस नंबर का राज्य है, ये आप जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए फिर से, क्लियर है। अब यहां से टकराई, यहां पे क्या कराई है, वर्षा की, और वर्षा करने के बाद फिर से थोड़ी क्या हुई, हल्की हुई, हल्की होने के बाद फिर क्या हो रहा है, ये ऊपर उठ रहे हैं। ठीक है, और ऊपर उठकर क्या होता है, ये छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों के अंतर्गत ये जो मानसूनी हवाएं हैं ये प्रवेश करती है। दूसरा, अरब सागर से उठने वाली मानसूनी हवाएं, जो अरब सागर से उठने वाली मानसूनी हवाएं रहती है, ये अरब सागर से उठने के उपरांत सबसे पहले कहां टकराती है, तो पश्चिमी घाट में टकराती है। कहां टकराती है, पश्चिमी घाट में, और इन पश्चिमी घाट के पश्चिम दिशा में, पश्चिमी घाट के क्या, पश्चिम दिशा में मैक्सिमम वर्षा करा देती है। ठीक, जैसे कि आप भारतीय भूगोल जब पढ़ेंगे, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखेंगे एक पश्चिम घाट और दूसरा पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट क्या है, ज्यादा ऊंचा है, तो पश्चिमी घाट से टकराने के बाद पश्चिमी घाट के पश्चिम में क्या करती है, ये जो अरब सागर से उठने वाली मानसूनी हवाएं हैं ये अत्यधिक वर्षा कराती है। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, जब वर्षा, जो मानसूनी हवाएं हैं, जो बादल है, क्या होता है, थोड़ा जब क्या होता है, हल्का होता है,
तब थोड़ा सा पार करके कहां पहुंचता है, पश्चिमी घाट को पार करता है। तो पश्चिमी घाट के जो बाद का क्षेत्र है आपका दक्कन के पठार वाला जो क्षेत्र है वहां पर क्या हो जाता है, रेन शैडो एरिया डेवलप हो जाता है। फिर ये जो मानसूनी हवाएं हैं थोड़ी बहुत वर्षा कराती है कहां पर, दक्कन के पठार दक्षिणी महाराष्ट्र कर्नाटक वाले जो क्षेत्र है वहां पर। उसके बाद आगे बढ़ती है मध्य प्रदेश की ओर, और मध्य प्रदेश से फिर ये कहां पर प्रवेश करती है, अरब सागर की जो मानसूनी हवाएं हैं मध्य सागर मध्य प्रदेश से होते हुए छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में क्या होती है, ये प्रवेश करती है ना। अब छत्तीसगढ़ में जब इसको प्रवेश करना रहता है तो छत्तीसगढ़ में इसको पश्चिम दिशा में क्या मिल जाता है, मैकल पर्वत मिल जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पश्चिम दिशा में क्या मिल जाता है, इसको मैकल पर्वत मिल जाता है। और मैकल पर्वत से टकराने के कारण ये मैकल पर्वत के पश्चिम में, ठीक है, कहां, मैकल पर्वत के पश्चिम में मतलब मध्य प्रदेश में क्या कर जाती है, ये मैक्सिमम वर्षा करा देती है। ठीक है, भारी वर्षा कराती है यहां पर मध्य प्रदेश में, क्या करती है, भारी वर्षा कराती है, या मैकल पर्वत के पश्चिम में क्या कराती है, ये भारी वर्षा कराती है। और मैकल पर्वत को पार न कर पाने के कारण जो मैकल पर्वत का पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है, मैकल पर्वत का जो पूर्वी क्षेत्र है, इन पूर्वी क्षेत्रों में, ठीक है, कौन कौन से जिले आपके, तो याद रखना है आपको मुंगेली, कवर्धा, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, बेमेतरा, ठीक है, यहां पर क्या हो जाता है आपका वृष्टि छाया क्षेत्र निर्मित हो जाता है। ठीक है, क्या निर्मित हो जाता है आपका, वृष्टि छाया क्षेत्र या रेन शैडो एरिया डेवलप हो जाता है। कहां कहां पर, तो मैकल पर्वत के पूर्वी भाग, मुंगेली, कवर्धा, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, बेमेतरा, इन सब जिलों के अंतर्गत क्या हो जाता है, तो वृष्टि छाया क्षेत्र निर्मित हो जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया, यहां तक वर्षा की स्थिति समझ में आ गई छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। अब अपन देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर क्या होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा क्या होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं से होती है। बिल्कुल सही है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से छत्तीसगढ़ के 90% भाग पर लगभग 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, कितने प्रतिशत वर्षा होती है, तो छत्तीसगढ़ के 90% भाग पर लगभग 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और जो अरब सागर से उठने वाली मानसूनी हवाएं हैं, इन अरब सागर से उठने वाली मानसूनी हवाओं से छत्तीसगढ़ के 10% भाग पर लगभग 25 सेंटीमीटर क्या होता है, वर्षा होता है। क्लियर, दूसरा कथन क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ का अधिकांश क्षेत्र समशीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत आता है। तो क्या समशीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत आता है, नहीं, छत्तीसगढ़ का जो अधिकांश क्षेत्र है वो कौन से जलवायु के अंतर्गत आता है, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है। क्यों आता है, तो छत्तीसगढ़ का जो अधिकांश भाग है वो कर्क रेखा के क्या है, नीचे है, है ना। इसलिए क्या है, छत्तीसगढ़ का जो जलवायु क्षेत्र है उसमें मैक्सिमम जो क्षेत्र है किसमें आता है, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में आता है। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जा रहा है आपका, गलत हो जा रहा है। तीसरा क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ में तापमान के वितरण को समुद्र की निकटता एवं समुद्र सतह से ऊंचाई मुख्य रूप से प्रभावित करती है। देखा था जलवायु को प्रभावित करने में समुद्र तल से दूरी एवं समुद्र तल से ऊंचाई क्या है, एक महत्वपूर्ण कारक है। तो छत्तीसगढ़ के तापमान के वितरण को समुद्र की निकटता एवं समुद्र सतह से ऊंचाई भी क्या करती है, मुख्य रूप से प्रभावित करती है। तो पहला और तीसरा कथन क्या है आपका, सही है। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है पहला और तीसरा, तो सी में दिख रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, छत्तीसगढ़ के जलवायु के क्षेत्र में निम्न में से कौन सा जो कथन है वो सत्य है। क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ में उत्तरी भारत की ठंडी हवाएं नहीं आती। दूसरा क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ की पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक आर्द्र है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो पश्चिमी भाग है वो पूर्वी भाग से क्या है, अधिक आर्द्र है। तीसरा क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से नहीं आता। और चौथा क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ के तापमान में वर्ष भर भिन्नता रहती है। छत्तीसगढ़ के तापमान में वर्ष भर भिन्नता रहती है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है बोल रहे हैं, लगाइए अपना आंसर, कौन सा कथन सत्य है, लगा लिए, चलो चर्चा करते हैं। क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में ठंडी हवाएं नहीं आती। बिल्कुल गलत बात है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में, या सॉरी, छत्तीसगढ़ में उत्तरी भारत की ठंडी हवाएं नहीं आती। तो छत्तीसगढ़ में उत्तरी भारत की ठंडी हवाएं आती है। शीत ऋतु के दौरान जो हिमालय से ठंडी हवाएं चलती है वो छत्तीसगढ़ में भी आती है। ठीक है, आता है कि नहीं आता है, आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है, तो पहला कथन क्या हो जा रहा है, असत्य हो जा रहा है, नहीं आती है बोल रहा है, आता है।
दूसरा क्या बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक आर्द्र है। छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से क्या है, अधिक आर्द्र है। आप अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि जो पश्चिमी भाग है वहां पर कौन सा एक पर्वत, मैकल पर्वत। जो अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाएं हैं वो क्या होती है, मैकल पर्वत से टकराती है और मैकल पर्वत के पश्चिम मतलब मध्य प्रदेश में क्या कराता है, भारी वर्षा कराता है। लेकिन जो मैकल पर्वत का पूर्व है जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कुछ चार पांच जिले आते हैं, मुंगेली, कवर्धा, खैरागढ़, छिखदान, गंडई, है ना, बेमेतरा वाला जो एरिया है, इसमें क्या हो जाता है, वृष्टि छाया निर्मित हो जाता है। तो ये कथन भी क्या हो जा रहा है आपका, गलत हो जा रहा है कि छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक आर्द्र नहीं है, शुष्क है। ठीक है, कैसा है, तो शुष्क है। पश्चिमी भाग में क्या हो जाता है, रेन शेडो एरिया डेवलप होता है, है ना। तीसरा क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से नहीं आता। अभी जस्ट हमने देखा था बंगाल की खाड़ी से ही आता है और छत्तीसगढ़ की जो मैक्सिमम वर्षा है वो भी किससे होती है, तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं से होती है। चौथा क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ के तापमान में वर्ष भर भिन्नता रहती है। रहती है कि नहीं रहती है, रहती है, है ना, रहती है कि नहीं रहती है, रहती है। वर्ष भर क्या, हर हफ्ते 10 दिन में क्या हो जाता है, यहाँ के तापमान में भिन्नता आ जाती है। अभी आप देख रहे हैं कि लगातार क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है। अभी 2 हफ्ते पहले तक आप क्या पा रहे थे कि मनमाना गर्मी था। ठीक है, कैसा गर्मी था, तो मनमाना गर्मी था, है ना। तो छत्तीसगढ़ के तापमान में क्या रहता है, वर्ष भर भिन्नता रहती है। यही कथन क्या है, सत्य है। मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, छत्तीसगढ़ के तापमान में वर्ष भर भिन्नता रहती है। अगला पांचवा कथन क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसूनी पवने चलती है। और दूसरा बोल रहा है, छत्तीसगढ़ में अरब सागर की मानसूनी हवाओं से वर्षा नहीं होती। क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसूनी पवने चलती है और दूसरा बोल रहा है, छत्तीसगढ़ में अरब सागर की मानसूनी हवाओं से वर्षा नहीं होती। बोल रहा है, दिया है एक और दो सत्य है, दूसरा दिया है एक सत्य है, एक असत्य है परंतु दो सत्य है, तीसरा दिया है एक सत्य है परंतु दो असत्य है, और चौथा दिया है एक और दो असत्य है। तो अभी हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं चलती है, तो पहला कथन क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है। तो यहीं पे जस्ट पिछले क्वेश्चन में देखा था कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं चलती है, सॉरी कौन सी हवा चलती है, शीत ऋतु की हवाएं चलती है। ठीक है, और दूसरा क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ में अरब सागर की मानसूनी हवाओं से वर्षा नहीं होती। नहीं होती है क्या, होती है, भले ही क्या है, कम है, लेकिन होती है। ठीक है, और जो होती है वो होती है, कम होती है या ज्यादा होती है ये नहीं पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, होती है कि नहीं होती है, तो होती है। कितने प्रतिशत भाग पर होती है, 10% भाग पर होती है। कितनी वर्षा होती है, तो 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो दूसरा कथन क्या हो जा रहा है आपका, गलत हो जा रहा है। दूसरा कथन क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है, वर्षा नहीं होती है बोल रहे हैं, लेकिन वर्षा होती है। तो एक सत्य है और दो क्या है, असत्य है। एक सत्य है और दो क्या है, असत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर्क रेखा की स्थिति अनुसार छत्तीसगढ़ में कैसी जलवायु है, कर्क रेखा की स्थिति अनुसार छत्तीसगढ़ में कैसी जलवायु है, बताओ। इसके लिए मेरे को ऑप्शन भी नहीं बोलना पड़ेगा, आप लोग ऐसे ही बता देंगे। अब बोलूं क्या, दिख तो रहा ही है स्क्रीन में, है ना, बोल रहे होंगे क्या सर कुछ भी बोलते हो, आप मत बोलो ना, हमको करना ही क्या है, है ना, हम तो ऐसे ही बना लेंगे, ऐसे क्वेश्चनों का आंसर तो हम ऐसे ही देते हैं। ठीक, तो आप ऐसे ही दो चाहे वैसे ही दो, लेकिन क्या दो, सही दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, सी, उष्णकटिबंधीय जलवायु। कर्क रेखा की स्थिति अनुसार छत्तीसगढ़ में कैसी जलवायु है, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। क्लियर है यहां पे, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन, मानसून शब्द अरबी भाषा के किस शब्द से बना है। क्या बोल रहा है, मानसून शब्द अरबी भाषा के किस शब्द से बना है। मानसून जो शब्द है वो किस भाषा का है, तो अरबी भाषा का है, ये चीज क्लियर हो गया। ठीक है, पूछ क्या रहा है, अरबी भाषा के किस शब्द से बना है, मौसीम से बना है, मौनसीम से बना है, मसूदी से बना है या मासम से बना है। ठीक है, ये आपको जानना है कि मानसून जो शब्द है ये किस शब्द से बना है। दे दिया आंसर, तुक्का नहीं मारना है, समझ गए, तुक्का नहीं मारना है यहां पर, तो एटलीस्ट नहीं मारना है। तुक्का कब मारना है आपको, कभी नहीं मारना है। अपनी तैयारी ऐसी रखो कि आपको तुक्का मारने की जरूरत ही ना पड़े, समझ रहे हो बातों को, तुक्का नहीं मारना है। ठीक है, अपने को क्या करना है,
सही सही आंसर ही देना है। और जैसे कि मैंने आपको क्या बताया है कि ऐसे आंसर या ऐसे क्वेश्चंस जिसके आंसर डायरेक्ट डाटा पर बेस्ड है, डायरेक्ट फैक्ट पर बेस्ड है, और आपको डाटा या फैक्ट पता नहीं है, तो क्या करना है, उसको जय श्री राम बोलना है और छोड़ देना है। क्या करना है, जय श्री राम बोलकर छोड़ देना है ना। तो ये जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन आपको, मानसून शब्द अरबी भाषा के किस शब्द से बना है, तो ये मौसीम शब्द से बना है। ठीक है, किस शब्द से बना है, मौसीम शब्द से बना है। और मानसून के खोजकर्ता जो है वो एक अरबी भूगोलविद अल मसूदी, ठीक है, ये जो नाम देख रहे हैं आप अल मसूदी, ठीक है, क्या है, अल मसूदी, ठीक है। इस मानसून शब्द की खोज, मानसून की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो अरबी भूगोलविद अल मसूदी के द्वारा क्या किया गया है, मानसून शब्द की खोज की गई है या मानसून की खोज की गई है। क्लियर है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। छत्तीसगढ़ की जलवायु गर्म और आर्द्र होने का क्या कारण है, ठीक है, छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है वो गर्म और आर्द्र होने का क्या कारण है। भारतीय मानक समय रेखा से निकटता, भूमध्य रेखा से निकटता, कर्क रेखा से निकटता और समुद्र तल से निकटता। तो आप पाएंगे कि जो छत्तीसगढ़ है वो सबसे निकट किसके है, तो कर्क रेखा के निकट है, ठीक है, किसके निकट है, कर्क रेखा के निकट है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ की जो जलवायु कैसी है, गर्म और आर्द्र है, ठीक है, छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है, गर्म और आर्द्र है, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अभी कर्क रेखा के बारे में हमने देखा था, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले, तो चार जिले, कौन कौन सा, बोलो बोलो क्वेश्चन, बोलो आंसर, बोलो आप कहां पर कमेंट में बोलो, बता दिए, वेरी गुड। तो कर्क रेखा से निकटता के कारण जो छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है, गर्म और आर्द्र है। अगला, छत्तीसगढ़ में किन मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है, छत्तीसगढ़ में किन मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है, तो किन मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है, पढ़ लिया है हमने अभी, ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है। और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ये जो मानसूनी हवाएं हैं किस दिशा से प्रवेश करती है, तो दक्षिण पूर्व दिशा से प्रवेश करती है। वर्षा कौन से मानसून से, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से, लेकिन वह प्रवेश छत्तीसगढ़ में किससे करती है, तो दक्षिण पूर्व दिशा से करती है। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। एक चीज और देख लीजिए आप वर्षा के बारे में, छत्तीसगढ़ में वर्षा, ठीक है, क्या देखने अपने को, छत्तीसगढ़ में वर्षा, वर्षा हम एक देखेंगे, वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में किसके कारण होता है, दूसरा अपन देखेंगे शीत ऋतु में क्यों वर्षा होता है, और तीसरा अपन देखेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में वर्षा क्यों होता है, ठीक। इसके अलावा देखेंगे कि लौटते मानसून से छत्तीसगढ़ में वर्षा होता है कि नहीं होता है। ठीक, सबसे पहले देखते हैं कारण, कारण, तो वर्षा ऋतु में वर्षा का क्या कारण है, तो मानसूनी हवाएं, ठीक है, क्या कारण है, तो मानसून या मानसूनी हवाएं वर्षा का कारण है, कौन से ऋतु में, तो वर्षा ऋतु में, समझ में आ गया कि नहीं आया, आ गया ना, ठीक। तो वर्षा ऋतु में कैसी वर्षा होती है, तो मानसूनी वर्षा होती है। शीत ऋतु में छत्तीसगढ़ में क्यों वर्षा होती है, तो शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ठीक है, किसके कारण होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है, किसके कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण या पश्चिमी विक्षोभ के कारण छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु के समय क्या होती है, वर्षा होती है, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्यों, तो जैसे ही भारत के आप पश्चिम में जाएंगे तो पश्चिम के अंतर्गत कुछ आपको महत्वपूर्ण सागर मिलेंगे, जैसे भूमध्य सागर, काला सागर, मृत सागर, ठीक, इन सभी पर क्या होता है, एक उच्च दबाव का क्षेत्र बनता है, ठीक है, और उस उच्च दबाव के कारण यह क्या करता है, उच्च दबाव से निकलने के बाद फिर निम्न दबाव मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होने लगता है, आने लगता है, और पश्चिम के इनके सापेक्ष भूमध्य सागर जो है उसके सापेक्ष भारत कैसा है, पश्चिम में है, ठीक है,
सॉरी भारत के सापेक्ष जो भूमध्य सागर वो कैसे है, पश्चिम में है, और पश्चिम से ये हवाएं आती है, इसलिए भारत के अंतर्गत इनको क्या कहा जाता है, पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है। ठीक है, डिस्टर्ब होता है, खेती डिस्टर्ब होता है, त्यौहार डिस्टर्ब होता है ना, होता है कि नहीं होता है। दिवाली के समय आप बढ़िया क्या किए हैं, घर वर की लिपाई पोताई करके रखे हैं, और उसी समय क्या हो जाए, वर्षा हो जाए, फिर मम्मी क्या बोलती है, चलो बेटा फिर से पोताई लिपाई करो, है ना, तो क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको अपन, पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोल रहे हैं। अगला ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत जो वर्षा है वो होती है बे ऑफ बंगाल से उठने वाली चक्रवात के कारण। बे ऑफ बंगाल से उठने वाली चक्रवात के कारण क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होता है, और लौटते मानसून से छत्तीसगढ़ में कभी भी वर्षा नहीं होता। ठीक है, लौटते मानसून से क्या नहीं होता, छत्तीसगढ़ में कभी भी वर्षा नहीं होता है, समझ गए बात को। अब मैक्सिमम किस समय कहां पर वर्षा होता है, तो मानसूनी हवाओं से अपने पता है कि बस्तर संभाग में सबसे ज्यादा वर्षा होता है, संभाग के हिसाब से बात करें तो। शीत ऋतु में सबसे ज्यादा वर्षा सरगुजा संभाग में होता है, अब बे ऑफ बंगाल से जो उठने वाली चक्रवात है इससे ग्रीष्म ऋतु में वर्षा तो होती है लेकिन फिक्स नहीं होती, फिक्स नहीं है। अगर बे ऑफ बंगाल से उठने वाला जो चक्रवात है वो अत्यधिक क्या हो, तेज हो, या अच्छा खासा तेज हो, तब क्या होता है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत वर्षा होता है। अगर बे ऑफ बंगाल में उठने वाली चक्रवात तेज नहीं हो तो क्या नहीं होता, छत्तीसगढ़ में वर्षा नहीं होता। इसलिए आप पाएंगे, देखते हैं कि किसी किसी वर्ष गर्मी के मौसम में क्या होता है, अच्छी खासी वर्षा हो जाती है, और कभी कभी वर्षा नहीं होती, फिक्स नहीं रहता है। जैसे कि इस बार गर्मी में आप देखेंगे तो मई के महीने में जो पहला हफ्ता वाला जो समय था वो क्या था, अत्यधिक वर्षा वाला समय था, है ना, पहले हफ्ते में अच्छे खासा ठंड लग रहा था, और ये क्या था, एक तरफ से जादू था, है ना, मई के महीने में आपको छत्तीसगढ़ में ठंड मिल जाए तो ये किसके समान है, एक जादू के समान है। ठीक है, मिरेकल है, कैसा है, जादू है। ठीक, तो इस बार आप जादू देखे थे कि नहीं देखे थे, तो जादू पर क्या करना है, आपको विश्वास करना है, जादू होता है, समझ में आ गया। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन की ओर, क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ में किन मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है। ठीक है, क्या होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ के मौसम केंद्र से और किन राज्यों को मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त होती है, छत्तीसगढ़ के मौसम केंद्र से और किन राज्यों को मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। पहला बोल रहा है ओडिशा झारखंड, दूसरा बोल रहा है ओडिशा आंध्र प्रदेश, तीसरा बोल रहा है आंध्र प्रदेश तेलंगाना, और चौथा बोल रहा है तेलंगाना महाराष्ट्र। चलो आप अपना आंसर लगाइए, फिर बताता हूं मैं, लगा लिया आंसर, बढ़िया। ठीक है, क्या होगा आंसर इसका, तो ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, किसको किसको, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को छत्तीसगढ़ के मौसम केंद्र से क्या होता है, मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त होता है। ठीक है, अब जो छत्तीसगढ़ का मौसम केंद्र है इसका मुख्यालय कहां पर है, तो मुख्यालय है रायपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ मौसम केंद्र का मुख्यालय कहां है, रायपुर, और जो छत्तीसगढ़ का मौसम केंद्र है ये भारत के 36वें क्रम का मौसम केंद्र है। ठीक है, 36वें क्रम का मौसम केंद्र है। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ का मौसम केंद्र है रायपुर में, वो भारत के किस क्रम का मौसम केंद्र है, तो 36वें क्रम का मौसम केंद्र है। ठीक, अब थोड़ा सा मौसम के बारे में भी पढ़ लेते हैं अपन। छत्तीसगढ़ में मौसम, ठीक, हेडिंग क्या डालेंगे आप, छत्तीसगढ़ में मौसम, छत्तीसगढ़ में क्या देखने अपने को, मौसम, कौन कौन से मौसम, तो एक आप देखेंगे ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, गर्मी का महीना, गर्मी के बाद फिर वर्षा ऋतु, और वर्षा के बाद फिर शीत ऋतु। देखते हैं समय, तो सब जो गर्मी का महीना है वो कब से कब तक को कहा जाता है गर्मी का महीना छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, तो आप देखेंगे
फरवरी से जून। वर्षा का महीना किसे कहा, कब से कब तक कहा जाता है, तो जून से सितंबर। और शीत ऋतु का महीना कब से कब तक कहा जाता है, तो नवंबर से फरवरी। नवंबर से फरवरी, ठीक है। ये तो रही महीने की बात। एग्जैक्ट अगर आपको समय पूछ ले तो आप क्या बताएंगे, जो ग्रीष्म ऋतु है वो 16 फरवरी से, ठीक है, कब से, 16 फरवरी से लेकर 15 जून तक रहता है, ठीक है। कब तक रहता है, 16 फरवरी से लेकर 15 जून तक रहता है। दूसरा, वर्षा का जो महीना है ये कब से, तो 16 जून से, ठीक है, कब से, 16 जून से 15 अक्टूबर तक, ठीक है, 16 जून से 15 अक्टूबर तक क्या रहता है, वर्षा का मौसम रहता है। और 16 अक्टूबर से 15 फरवरी तक का जो महीना रहता है वो शीत ऋतु का महीना रहता है, ठीक है, या विंटर सीजन रहता है महीना। देखते हैं कि अब किस महीने में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो अपने को पता है मई महीने में क्या होती है, सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। कौन से महीने में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, मई महीने में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, पड़ती है कि नहीं पड़ती है, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं सर गर्मी तो अभी सबसे ज्यादा पड़ रहा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं जानना है, है ना। एक्चुअल कहां पर सबसे ज्यादा, कौन से महीने में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो मई महीने में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। मई के बाद वर्षा ऋतु सबसे ज्यादा, या वर्षा सबसे ज्यादा कब होता है, तो अगस्त महीने में होता है, है ना। किस महीने में होता है, अगस्त महीने में होता है सबसे ज्यादा वर्षा, किस महीने में होता है, अगस्त महीने में। अब बोलना मत सर इस बार तो अगस्त महीने में वर्षा ही नहीं हुआ है, भारी गर्मी का सामना किए हैं हम लोग, चेंज कर दें क्या, नहीं करना है, अपने आप में कर सकते हो, एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है, अपने मानने के लिए कर सकते हो, नहीं कि अब हम आज से अगस्त महीने को क्या घोषित करते हैं, गर्म महीना घोषित करते हैं, और जो मई महीना है उसको सबसे ज्यादा वर्षा वाला महीना घोषित करते हैं, अपने से घोषित कर सकते हो, या आप चाहें तो आयोग से भी घोषित करवा सकते हो, आयोग भी ये कर सकता है, ठीक है, कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कर सकता है, आयोग कुछ भी कर सकता है, ठीक है, आयोग स्वयंभू है, है ना, वो एक भगवान है, वो कुछ भी कर सकता है, उसका बोला हुआ हर चीज क्या है, सही है, ठीक। अगला, मई अगस्त, और सबसे ज्यादा ठंड कब पड़ता है, तो दिसंबर के महीने में पड़ता है, ठीक है, कब पड़ता है, दिसंबर के महीने में पड़ता है, सबसे ज्यादा ठंड कब पड़ता है, तो दिसंबर के महीने में पड़ता है, क्लियर है। क्षेत्र, क्षेत्र आपको पूछे तो सबसे ज्यादा गर्मी, गर्म क्षेत्र क्या है आपका, चांपा है, ठीक है, सबसे ज्यादा गर्म क्या है, चांपा। सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र क्या है आपका, अबूझमाड़। और सबसे ज्यादा ठंड वाला जो क्षेत्र है वो क्या है आपका, छत्तीसगढ़ में, तो वो है आपका मैन पाट, ठीक है, क्या है, मैन पाट है। क्षेत्र के बाद अपन जिला देख लेते हैं, जिले में कौन सा जिला सबसे ज्यादा गर्म है, तो रायगढ़ जिला क्या है, सबसे ज्यादा गर्म है, ठीक है, कौन सा जिला, रायगढ़ जिला सबसे ज्यादा गर्म है, ठीक है। वर्षा पूछे सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होता है, तो नारायणपुर नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, जसपुर लगाएंगे, जिले के हिसाब से सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होता है, तो जसपुर में होता है। और सबसे ज्यादा जो ठंड है वो किस जिले में पड़ता है, तो वो पड़ता है सरगुजा जिले में, ठीक है, कौन से जिले में पड़ता है, सरगुजा जिले में पड़ता है, समझ में आ गया। जिला, जिला के बाद हम देख लेते हैं संभाग के हिसाब से, तो संभाग में सबसे ज्यादा जो गर्म संभाग वो कौन सा है, ये आपका बिलासपुर हो गया, सबसे ज्यादा वर्षा वाला जो संभाग है वो क्या है आपका, तो सबसे ज्यादा वर्षा वाला संभाग आपका बस्तर है। और सबसे ज्यादा ठंड वाला संभाग क्या है आपका, ठंड कहां पर सबसे ज्यादा पड़ता है, तो आपका सरगुजा संभाग है। सरगुजा संभाग है, क्लियर, समझ में आ गया। तो छत्तीसगढ़ के मौसम के बारे में इन सब चीजों को भी आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया था कि नहीं दिया था आपको, हो गया था ना, ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है,
कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागा से अधिक प्रभावित नहीं है? क्या बोल रहा है? कौन सा जो क्षेत्र है वो मानसून की अरब सागा से अधिक प्रभावित नहीं है? पहला क्या बोल रहा है? पश्चिमी घाट। दूसरा क्या बोल रहा है? दक्कन का पठार। तीसरा क्या बोल रहा है? मध्य प्रदेश। और चौथा बोल रहा है छत्तीसगढ़ बेसिन। अभी मैंने चर्चा किया था आपके साथ कि जो अरब सागर से उठने वाली मानसूनी हवाएं हैं वो क्या हो रही है, अरब सागर से उठने के उपरांत सबसे पहले कहां टकराती है, तो पश्चिमी घाट में टकराती है। और पश्चिमी घाट में टकराने के कारण पश्चिमी घाट के पश्चिम में क्या करती है, वो अत्यधिक वर्षा या भारी वर्षा कराती है। और पश्चिमी घाट का जो पूर्व वाला क्षेत्र रहता है, मतलब पश्चिमी घाट को पार करके ये जो अरब सागर से उठने वाली मानसूनी हवाएं हैं वो पश्चिमी घाट के पूर्व में क्या नहीं करा पाती, वर्षा नहीं करा पाती, इसलिए वहां पर क्या हो जाता है, रेन शैडो एरिया डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट तो प्रभावित हो रहा है, अब पश्चिमी घाट के पूर्व में क्या हो गया, दक्कन पठार, तो दक्कन पठार के अंतर्गत रेन शैडो एरिया डेवलप हो जा रहा है तो वो भी प्रभावित हो रहा है। फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बेसिन, है ना, तो हमने देखा कि इसके बाद दक्कन से पठार से होते हुए कहां पर पहुंच रही है, वो मध्य प्रदेश पहुंच रही है, और मध्य प्रदेश से फिर छत्तीसगढ़ वाला एरिया हमारा है। तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जब आते रहता है तो वो कहां पर टकरा जाता है, मैकल पर्वत से टकरा जाता है, और मैकल पर्वत से टकराने के उपरांत मध्य प्रदेश में क्या कर देता है, भारी वर्षा करा देता है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत वर्षा नहीं कराता, तो सर सब प्रभावित हो रहा है, तो सब प्रभावित नहीं हो रहा है। ये जो छत्तीसगढ़ बेसिन वाला क्षेत्र है हमारा, ये क्या नहीं होता है, ज्यादा प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ बेसिन के मैक्सिमम क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसूनी हवाओं के कारण क्या हो जा रहता है, वर्षा हो जा रहता है। इसलिए हमको अरब सागर से उठने वाली मानसूनी हवाओं से अगर ज्यादा वर्षा नहीं भी होता है तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हम उससे कुछ ज्यादा प्रभावित नहीं होते, क्योंकि टोटल कितना ही वर्षा करा देता है वो, तो 10% भाग पर ही कराता है और 25 सेंटीमीटर तक वर्षा कराता है, है ना। अगर बे ऑफ बंगाल से उठने वाली मानसूनी हवाओं की जो गति है वो अच्छी रहती है तो छत्तीसगढ़ बेसिन के लगभग सभी क्षेत्रों पर क्या कर देती है, वो वर्षा कर देती है, है ना। इसलिए हम क्या नहीं होते, इससे अत्यधिक प्रभावित नहीं होते। ठीक है, क्या बोल रहा है, कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होती, बोल रहे अधिक की बात की जा रही है ना, अब प्रभावित कहीं ना कहीं तो होगी, है ना, प्रभावित तो हो रहे हैं हम, क्यों, तो मैकल श्रेणी के कारण हमारा जो कुछ क्षेत्र वो क्या हो जा रहा है, वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाए, लेकिन ज्यादा प्रभावित नहीं होते। ठीक है, थोड़ा बहुत लॉस होता है, चल जाता है, चल इतना चला लेंगे वाला, क्लियर है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्या बोल रहा है, क्या छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण पर्वतों की स्थिति द्वारा प्रभावित होता है? चार ऑप्शन दिए, हां होता है, नहीं होता है, अधिकतर नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्लियर, तो होता है कि नहीं होता है, पढ़ लिए हम, होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, कैसे होता है, तो अभी जस्ट हमने देखा कि जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं हैं ना, जो बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसूनी हवाएं हैं वो छत्तीसगढ़ में कहां से प्रवेश कर रही है, बस्तर से। अब बस्तर कौन सी दिशा में है छत्तीसगढ़ के, दक्षिण पूर्व में, और दक्षिण पश्चिम के अंतर्गत क्या है, एक बड़ी बड़ी पहाड़ियों की श्रृंखला हो गई है ना, अबूझमाड़ पहाड़ी है, उसके ऊपर जाओ तो रावघाट पहाड़ी है, फिर नीचे आओ तो अलबामा, अलबका, उसूर, गोलापल्ली की पहाड़ी, तो बस्तर से प्रवेश कर गया लेकिन पार नहीं कर पाया, अबूझमाड़ क्षेत्र में क्या हो रहा है, मैक्सिमम वर्षा। ठीक है, एक प्रभाव देख लिए, दूसरा अपन क्या देखें, मैकल पर्वत वाले क्षेत्र में देखिए, तो मैकल पर्वत में क्या, अरब सागर से मानसूनी हवाएं आई, उठकर टकराई मैकल पर्वत से, और मैकल पर्वत के पश्चिम में जाकर भड़भड़ ले वर्षा करा दी। ठीक है, कैसे वर्षा करा दी, भड़भड़ ले वर्षा करा दी, ठीक, मतलब भारी वर्षा करा दिया, कहां पर, मैकल पर्वत के पश्चिम में, और पूर्व क्या हो गया, तो वृष्टि छाया क्षेत्र हो गया। तो क्या छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण पर्वतों की स्थिति द्वारा प्रभावित होता है, तो हां होता है, आंसर क्या होगा, हां बिल्कुल होता है। ठीक है, ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में वर्षा का क्या कारण है, छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में वर्षा का क्या कारण है, अभी जस्ट मैंने बताया आपको, पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, क्या कारण है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण क्या होते हैं, हम डिस्टर्ब होते हैं, कब डिस्टर्ब होते हैं, जब हमारा त्योहारों का महीना चलते रहता है तब हम क्या होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ में कितने इंच वर्षा होती है, 67 इंच, 69 इंच, 65 इंच और 66 इंच। ठीक, तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 120 से 125 सेंटीमीटर या 130 से 132 सेंटीमीटर या 69 इंच और 67 दिन एवरेज वर्षा होता है।
ठीक है, 120 से 125 सेंटीमीटर या 130 से 132 सेंटीमीटर तक या 69 इंच और 67 दिन एवरेज औसत वर्षा होती है। तो क्या पूछा जा रहा है आपको, छत्तीसगढ़ में कितने इंच वर्षा होती है? तो 69 इंच क्या होता है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत एवरेज वर्षा होता है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में कहां बर्फ जमाव नहीं होता बोल रहा है। ठीक, क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में कहां बर्फ जमाव नहीं होता, कहां नहीं होता? पंडरा क्षेत्र, सन्ना क्षेत्र, मैनपाट और अबूझमाड़। तो अभी हमने देखा कि अबूझमाड़ क्या है, हमारा सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, यहां पर शीत ऋतु के दौरान क्या नहीं होता, बर्फ जमाव नहीं होता। इसके अलावा जितने भी क्षेत्र आप देख रहे हैं, पंडरा क्षेत्र, जो पंडरा क्षेत्र है आपका, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ का बगीचा बोलते हैं। छत्तीसगढ़ का बगीचा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पंडरा क्षेत्र को छत्तीसगढ़ का बगीचा बोलते हैं, जहां पर शीत ऋतु में बर्फ जमा होता है। दूसरा है सन्ना क्षेत्र, सन्ना क्षेत्र को बोलते हैं छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड, क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड। ठीक है, क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड। मैनपाट क्या, तो छत्तीसगढ़ का शिमला। मेन पार्ट को क्या बोलते हैं अपन, छत्तीसगढ़ का शिमला बोलते हैं। इसके अलावा और क्या बोलते हैं, तो छत्तीसगढ़ का तिब्बत भी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ का तिब्बत भी इसको बोलते हैं, क्लियर है? तो इन जगहों पर क्या होता है, शीत ऋतु के दौरान बर्फ जमा होता है। इसके अलावा कवर्धा के अंतर्गत जो चिल्फी घाटी वाला क्षेत्र है, वहां पर भी क्या होता है, शीत ऋतु के दौरान बर्फ जमाव होता है। क्लियर है? छत्तीसगढ़ का बगीचा क्या, पंडरा क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड सन्ना, दोनों क्षेत्र जसपुर जिले में, मैनपाट, मैनपाट छत्तीसगढ़ का शिमला, छत्तीसगढ़ का तिब्बत, मैनपाट सरगुजा जिले में और अबूझमाड़ नारायणपुर जिले में। क्लियर है यहां तक सभी को, कुछ सभी का क्लियर है, किसी को कुछ डाउट है क्या? नहीं है, बढ़िया है ना। आगे जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र में। ठीक है, किसमें होगा, छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र में। तो कल सभी बिल्कुल 8 बजे क्या होंगे, हमसे जुड़ जाएंगे, क्योंकि अपवाह तंत्र का अगर आप स्टार्टिंग फेज मिस करेंगे तो आपके लिए क्या होगा, ये बहुत लॉस होगा। बोल रहे हैं क्या ही लॉस हो जाएगा सर, रिकॉर्ड होकर तो वीडियो मिल ही जाएगा, फिर से पढ़ लेंगे, कहां भागे जा रहे हो आप। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोच रखना है, क्या करना है, जो हमारा अभी का काम है उसको हमको क्या करना है, अभी ही करना है ना, बाद के लिए नहीं छोड़ना है। अगर 8 बजे आपकी क्लास शुरू हो रही है तो 8 बजे क्या करना है, आपको वहां पर उपस्थित होना है। आपको अगर पोस्ट लेना है तो आपको अपने समय के लिए क्या होना पड़ेगा, प्रतिबद्ध होना पड़ेगा कि मुझे इस टाइम पे पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र के बारे में, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कौन सा अपवाह तंत्र है, मतलब कौन कौन सा अपवाह तंत्र है, किस अपवाह तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र हैं, है ना। और अपवाह तंत्र के ऊपर चर्चा करने के उपरांत कल का जो हमारा पूरा जो फोकस रहेगा वो एक अकेले महानदी अपवाह तंत्र पर रहेगा। ठीक है, किस पर रहेगा, महानदी अपवाह तंत्र पर रहेगा। साथ ही इतने लोग जुड़ते हो हमारे साथ यार, लाइक और कमेंट भी किया करो, ठीक है, जिससे हमारा भी क्या हो, उत्साहवर्धन हो सके और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आ सकें, आपके लिए और कुछ नया सोच सकें और आपको बेहतर से बेहतर देने के लिए प्रतिबद्ध हमेशा के लिए क्या रहें, रहते ही रहें, कि हम हर वर्ष आपके लिए और कुछ ना कुछ नया करते रहें। तो अगर वीडियो पसंद आए तो क्या करना है आपको, लाइक और कमेंट जरूर करना है। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।